वेलकम टू सुपर स्काई क्लासेस। आज आपके लिए बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम के बारे में मैं यहाँ डिस्कस करने वाला हूँ। आपके सीआरपीएफ के जो मोस्टली फॉर्म है बच्चों के रिजेक्ट हो रहे हैं। बहुत सारे कमेंट मेरे पास आ रहे हैं कि सर फीस सबमिट होने के बावजूद भी हमारा पहले तो फॉर्म में आया लिख के सक्सेसफुल, उसके बाद में मैसेज आता है कि सही फॉर्म रिजेक्ट हो गया है, वो क्यों आ रहा है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। देखो स्टार्टिंग में आपके पास सक्सेसफुल आता है बट उसके साथ में आपके लिए एक चीज़ और लिखी रहती है जिस चीज़ पर आप लोग ध्यान नहीं देते हैं। वहाँ पे लिखा रहता है जो फीस होती है वो पेंडिंग लिखा रहता है, फीस पेंडिंग लिखा रहता है, फीस आपके अकाउंट से नहीं कट पाती है। उसके बाद में 24 घंटे के अंदर आपके पास दूसरा एसएमएस आता होगा टेक्स्ट वाला कि आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो गया है। क्या हो गया है? रिजेक्ट हो गया है। फीस जमा करने के बाद, फीस सबमिट करने के बाद फाइनल सबमिट में आपको 24 आवर्स का वेट करना है, उसके बाद में ही किसी डिसीजन पर आप पहुंचना, उससे पहले आप दोबारा फीस का पेमेंट नहीं कर देना, ठीक है। और जो फॉर्म है वो आपका बिल्कुल ठीक होना चाहिए। मोबाइल से फॉर्म को फिल करने की कोशिश ना करें क्योंकि मोबाइल का जो नेट होता है थोड़ा दिक्कत कर जाता है, इसलिए मोस्टली आप लोग कैफे पे चले जाएं। ये मेरी आपको पर्सनल मतलब सजेशन रहेगी। और दूसरी चीज पे मैं अभी फोकस करूंगा कि मोस्टली जो गर्ल्स की प्रॉब्लम ये आ रही है कि वहां पे आपके लिए कोई भी फीस नहीं देनी है, लेकिन फिर भी आपके फॉर्म में ये बोला जा रहा है कि भाई फीस आपको देनी है। एक सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि फॉर्म रिजेक्ट हो रहा है तो हमें कैसे पता चलेगा कि फॉर्म रिजेक्ट हुआ है या नहीं, उसका स्टेटस कैसे चेक मतलब किया जाएगा, उसके बारे में मैं आपके लिए वीडियो के लास्ट में बिल्कुल अभी समझाऊंगा। आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर रहें, ठीक है। और एक इन्फॉर्मेशन ये भी है कि आज से या कल से आपकी क्लास जो है सीआरपीएफ की आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पे प्रीवियस ईयर के जितने भी सेट हैं वो दिए जाएंगे, इसलिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। तो पहली बात मैंने बताई थी आपके लिए जो फीस वाली है कि भाई आपके लिए जो फीस वाली है 24 आवर्स के बाद में ही आपके लिए इसके ऊपर डिसीजन लेना है, क्योंकि पहले फीस में कुछ लोगों का बिल्कुल मतलब सक्सेसफुल कट जाती है, उसके बाद में पेंडिंग आता है लिख के। क्या आता है? पेंडिंग आता है लिख के, जब आपके लिए फाइनल सबमिट हो जाता है। फाइनल सबमिट होने के बाद में जो आपका फॉर्म है वहां पे पेंडिंग लिख के आता है, ठीक है। और पेंडिंग के बाद में 24 घंटे तक वेट करना है आपको। हो सकता है किसी सर्वर की प्रॉब्लम के कारण आपकी फीस नहीं कट पाई हो, तो 24 घंटे के बाद में आप दोबारा एक बार ट्राई कर लें। उसका रीजन यह है भाई फॉर्म है आपका 100 रुपए का, ध्यान रखना फॉर्म 100 रुपए का है, ठीक है। अगर आपके अकाउंट में दोबारा से आ जाएं वो 100 रुपए आ जाएंगे, चेक कर लेना आप अपने अकाउंट के लिए भी कि वो जो 100 रुपए हैं वो आ जाएंगे आपके अकाउंट में। उसके बाद में दोबारा आप फीस को ट्राई कर लेना और आपका फॉर्म सक्सेसफुल सबमिट हो जाएगा। और जिनका भी फॉर्म सक्सेसफुल सबमिट हो गया है, मोस्टली प्रॉब्लम ये भी आ रही थी कि किसी किसी का फोटो अच्छा नहीं आ रहा है, साइन उल्टे हो गए हैं, ब्लू पेन से हो गए हैं, तो ब्लू पेन वाले आप मेरी एक बात ध्यान रखें, उसमें यह है कि अगर फॉर्म आपके मैनुअली चेक होते हैं, मैनुअली आपके फॉर्म को चेक किया जाता है कि ब्लू पेन है या आपका ब्लैक पेन है, फिर तो आपका फॉर्म रिजेक्ट होने की संभावना है। बट मुझे नहीं लगता कि केवल ब्लू पेन के कारण आपका फॉर्म रिजेक्ट होना चाहिए, तो मोस्टली आपका फॉर्म ब्लू पेन के कारण रिजेक्ट नहीं होगा। अगर आपका फोटो अच्छा नहीं है, ब्लर है, बिल्कुल साइन बिल्कुल नहीं है, अच्छे नहीं आए हैं, तब आपके रिजेक्ट होने की संभावना है। और रिजेक्ट फॉर्म के लिए कैसे देख पाएंगे उसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं, ठीक है। रिजेक्ट फॉर्म को आप लोग कैसे देख पाएंगे, उससे पहले मैं आपको यह बता देता हूं, गर्ल्स की जो फीस है, गर्ल्स के लिए फीस बिल्कुल 0 है। गर्ल्स के लिए कोई भी फीस नहीं देनी है, उसके बावजूद भी उनके फॉर्म पे फीस के बारे में आ रहा है, तो वो चिंता ना करें, कुछ टाइम का वेट करें, उनके लिए ये वाला जो स्टेटस है वो हट जाएगा। एक बार अपने फॉर्म के लिए दोबारा से लॉगिन कर लें, दोबारा से अपने फॉर्म के लिए लॉगिन करके स्टेटस उसका चेक कर लें, ठीक है। तो गर्ल्स के लिए कोई भी फीस नहीं देनी है, लेकिन जहाँ पर जेंडर सेलेक्ट करने की बात थी वहाँ पर आपने फीमेल ही सेलेक्ट किया हो, ये ध्यान रखना। अगर मेल हो गया गलती से सेलेक्ट तो आप फीमेल हैं फिर भी आपकी फीस मांगे, वो इस बात पे आपको फोकस करना है। अगली बात मैं आपके लिए ये बता देता हूं, जो सर्टिफिकेट है, देखो सेंट्रल की जॉब है तो मोस्टली आपका सेंट्रल का ही सर्टिफिकेट जाता है, सेंट्रल का ही जाएगा, ये बात ध्यान रखना। और कास्ट का सर्टिफिकेट ज्यादा से ज्यादा 3 साल तक का चलता है, 3 साल पुराना हो तो यह चल जाएगा, लेकिन 3 साल पुराना आप मत लगाना, अभी का तैयार करवा लेना, यह मेरी आपकी पर्सनल सजेशन रहेगी। अब बात आ जाती है कि भाई फॉर्म के लिए आपको कैसे चेक करना है, उसके स्टेटस के लिए कैसे चेक करना है, ठीक है। तो यहां पे मैं आपके लिए बता देता हूं, ये सीआरपीएफ की ऑफिशियल साइट है, ये आपकी सीआरपीएफ की ऑफिशियल साइट है। इसके नीचे अब जब जाएंगे आप तो यहां पे सीआरपीएफ की जो मेन बीच में यहां पे लिखा हुआ रिक्रूटमेंट्स ऑफ द पोस्ट
ASI स्टेनो SCM और मतलब SCM और ASI के लिए यहाँ पे आपके लिए साफ साफ दे रखा है 25/1/2023 व्यू डिटेल स्टेटस। यहाँ पे ये वाली जो चीज़ है वो एक्टिव हो जाएगी, एक्टिव होने के बाद में आपके लिए आराम से आप इसका स्टेटस चेक कर पाएंगे। आप देख सकते होंगे कि यहाँ पे आपका लास्ट में एक्टिव लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे आपका एक्टिव लिखा हुआ है, ये एक्टिव ग्रीन हो जाएगा, आप यहाँ से आपका स्टेटस चेक कर लेंगे। और जिन जिन का स्टेटस आ जाएगा सक्सेसफुली हो जाएगा उनके लिए उनका एडमिट कार्ड आ जाएगा, अदरवाइज़ का एडमिट कार्ड नहीं आ पाएगा, ये ध्यान रखें। मोस्टली फॉर्म आपके 26,000 प्लस फॉर्म रिजेक्ट हो चुके हैं फ़ोटो की वजह से, कास्ट सर्टिफिकेट की वजह से किसी का फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, उन लोगों के लिए जनरल में काउंट कर लिया जाएगा, ये बात ध्यान रखना। कास्ट सर्टिफिकेट की वजह किसी का फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, फोटो की वजह से हो सकता है, साइन बहुत ज्यादा बेकार है उसकी वजह से हो सकता है, लेकिन फोटो की वो मतलब कास्ट सर्टिफिकेट की वजह से किसी का फॉर्म रिजेक्ट नहीं हुआ। दूसरी बात, चेक करने का दूसरा जो तरीका है वो मैं आपको बता दे रहा हूं, आपकी ईमेल आईडी पे आ जाएगा, ईमेल आईडी पे आपका जो फॉर्म मतलब फॉर्म का स्टेटस होगा वो सक्सेसफुल लिख के आ जाएगा, ठीक है, सक्सेसफुल आपकी ईमेल आईडी पे आ जाएगा। ईमेल आईडी को एक बार चेक कर लें, ईमेल आईडी के बाद में आपका यहाँ पे टेक्स्ट मैसेज भी आता है, टेक्स्ट मैसेज जिसका आ गया है सक्सेसफुल का, उनका फॉर्म बिल्कुल ठीक है, भर गया है, उनका एडमिट कार्ड 100% आएगा, और जिनके ईमेल पे आ गया है उनका भी फॉर्म 100% आ जाएगा। बात आ गई समझ में? तो इतनी सी सारी आपके लिए जितनी जानकारी थी, अच्छी लगी हो तो जल्दी से चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लें। कल से आपके लिए CRPF के प्रीवियस ईयर पेपर भी दिए जाएंगे प्लस प्रैक्टिस सेट भी दिए जाएंगे, और इसी के साथ में सुपर स्काई क्लासेस के लिए आप लोग सब्सक्राइब कर लें, और सारी जितनी CRPF की जानकारी है वो मैं यहां से देता रहूंगा आपके लिए।